नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। पुलिस जिला अधीक्षक जेआर ठाकुर ने आरक्षित केंद्र में पुलिस दरबार का आयोजन किया। पुलिस जवानों से उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक व शासकीय समस्याओं को लेकर व्यापक चर्चा की। इस अवसर पर जवानों ने छोटी मोटी समस्याएं बतलाई, जिसे पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मौके पर ही हल करने का निर्देश अधीनस्थों को दिया। इस दरबार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर, एसडीओपी मैनपुर, एसडीओपी गरियाबंद व डीएसपी गरियाबंद उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक जेआर ठाकुर के द्वारा प्रति सप्ताह होने वाले परेड सलामी के बाद जवानों की दिक्कतों को लेकर उन्होंने पुलिस दरबार का आयोजन आरक्षित केंद्र में किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक स्वयं जवानों के रसोई घर पहुँच खाने पीने की व्यवस्था, दिक्कत व परेशानियों को लेकर उनसे व्यापक चर्चा की, जिसमें जवानों ने बतलाया कि खाने पीने, रहने व अन्य कार्यों में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कॉलिन परेशानी है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल अपने अधीनस्थों को बुलाकर इन दिक्कतों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। पुलिस लाइन में जनता जो दरबार होता है पुलिस का अपना, तो उसमें एक लगाया दरबार लगाया था और इसमें मुख्य उद्देश्य इसमें ये रहता है कि अधिकारी और कर्मचारी आपस में बैठकर कर्मचारियों के द्वारा उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं रहती है वो अपने अधिकारियों के पास रखते हैं और उसका हम लोग निदान और निराकरण करने का प्रयास करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई, पुलिस लाइन में हम दरबार लगाया और बहुत ज़्यादा ऐसे कोई बड़ी समस्या हमारे अधिकारी और कर्मचारियों ने नहीं बताई। उन्होंने 2-3 छोटी समस्या बताई है जिसका हम शीघ्र ही निराकरण कर देंगे। किस तरह की समस्याएं हैं सर? समस्याएं ये हैं कि किसी का वेतन नहीं, वृद्धि नहीं लग रहा है या किसी का नक्सल भत्ता नहीं लग रहा है, तो इस तरह की चीजें 2-3 चीजें आई, उसको हम लोग दूर कर लेंगे। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।